नमस्ते, वेलकम सोल फैमिली। आवर जर्नी हैज मूव्ड टू डे 16। 16वें दिल का अभ्यास, कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस बाय ग्रेगरी ग्राबोवॉय। ये एकाग्रता अभ्यास से बहुत सारी चीजें जो नॉर्मली हम लोग जिसको मिरेकल्स बोलते हैं, ऐसी चीजें लोग महसूस कर रहे हैं और अपनी पीड़ित मानसिकता या मेंटालिटी को ड्रॉप करके वो अपनी निर्माता होने की जो शक्ति है, क्रिएटर चेतना, उसमें कदम रख रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द राइटर, टू आर मास्टर्स हु हैव ब्रॉट दिस लाइट, सो दैट अ नॉर्मल पर्सन जो रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, इस चेतना की शक्ति को इस्तेमाल करके अपने निर्माता होने के स्वरूप को अपना सकता है। सो सच अ ब्यूटिफुल जर्नी फॉर लास्ट 15 डेज। और आइए आज के अभ्यास पे चलते हैं। आज के तीन अभ्यास लेखक जो हमारे लिए लेकर आए हैं, उसमें पहला अभ्यास हम उसमें चलते हैं विजुअलाइजेशन। और आज की बहुत प्यारी विजुअलाइजेशन टेक्निक या टूल जो लेखक ने हमें समर्पित किया है, इज एलिमेंट्स ऑफ नेचर विजुअलाइजेशन। लेखक कहते हैं कि आज आप अपने बाहरी जगत को ध्यान में रखिए और कुछ मुख्य केंद्र बिंदु जो हैं, फोकस पॉइंट्स हैं जो हमें लेखक गाइड कर रहे हैं, जैसे लेखक कहते हैं कि आप सबसे पहले सूरज की गर्मी को अपने बॉडी पे, शरीर पे महसूस करें, कनेक्ट करें एलिमेंट्स ऑफ नेचर के साथ और फील करें कि कितने बैलेंस में है। द हीट इज परफेक्टली रिक्वायर्ड फॉर अवर बॉडी एंड एट द राइट टाइम द हीट इज हाई। एट द परफेक्ट राइट टाइम द सन ऑल्सो स्टार्ट्स सेटिंग। सही समय पे सूर्य उदय होता है, सही समय पे सूर्य अस्त होता है। कितनी रिदम और बैलेंस में चल रहा है। फिर लेखक कहते हैं आप हवा के स्पर्श को महसूस करें, एयर। आप अपनी खुद की श्वास के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। एयर एलिमेंट की ताजगी को महसूस करें। फिर लेखक कहते हैं आप पानी का जो जीवन प्रदान करने का दायित्व है, उस प्रभाव को भी आप महसूस करें। डेली जब आप बात करते हैं, आप कितना फ्रेश महसूस करते हैं, या जब आप इस पानी को ग्रहण करते हैं, आपको कितनी तृप्ति महसूस होती है। परफेक्ट फॉर अवर बॉडी। और लेखक कहते हैं आज धरती माँ को संपर्क करें, उनको कृतज्ञता के भाव से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और देखिए कि अगर ये जो हमारी बाहरी वास्तविकता है, उसके सारे एलिमेंट्स इतने परफेक्ट बैलेंस में हैं और इतनी जरूरी है हमारे हमारी चेतना के लिए, हमारे जीवन के लिए,
उसी तरह से आपकी जो इंटेंशन है वो भी परफेक्ट हार्मनी में और बैलेंस में क्रिएट हो रही है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन परफेक्ट एंड डिवाइन ऑर्डर नाउ एंड फॉरएवर। लेखक कहते हैं कि आज पूरी फुल अवेयरनेस में रहें, ये जो नेचर के एलिमेंट्स हैं इनके साथ पूरी अवेयरनेस में रहें, इनकी शांति को महसूस करें, श्वासों का आना जाना, क्या इसमें कोई पैनिक है या एंजाइटी है? कितनी शांति से इनहेल भी कर लेते हो और एक्सहेल भी कर लेते हो, कितना संतुलन है। और लेखक कहते हैं ये सारे एलिमेंट्स की जो आपस में एकता है, जो इनकी यूनिटी है, उसको महसूस करें, कि कोई भी एलिमेंट आइसोलेशन में बड़ा या छोटा नहीं है, सब एक दूसरे पे निर्भर हैं, और इन सब एलिमेंट्स के साथ जुड़ते ही कैसी भावना आती है, ताजगी की भावना। और कितना प्यारा एहसास है ये, और ये फ्री में अवेलेबल है। सो पे ग्रेटिट्यूड टू दिस सपोर्ट सिस्टम ऑफ नेचर जो आपकी इंटेंशन को भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अनकंडीशनली। और लेखक कहते हैं ये जो हार्मनी है इसको महसूस करके आप अपने अंदर शांति का, पीस का, संतुलन यानी बैलेंस का, और सकारात्मकता यानी पॉजिटिव एसोसिएशन का जो एहसास है उसको धारण करें, और आप खुद भी इन्हीं एलिमेंट्स की तरह एक शांत स्वरूप, संतुलन से भरपूर और सकारात्मक निर्माता बने, सकारात्मक क्रिएटर। सो सच अ ब्यूटिफुल विजुअलाइजेशन। लेखक पूरे ही उस दुनिया में हमें लेकर चलेंगे जहाँ पे हम अपने धरती माँ के साथ और उनके दिए गए गिफ्ट्स के साथ कितने प्यार से हमने ये फीलिंग्स महसूस की। चलिए हम दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं जहाँ पे लेखक की चेष्टा है कि वो नंबर एनर्जीज के साथ ना ही हमारे लक्ष्य को ऊर्जा दें, बल्कि हमारी इंडिविजुअल एनर्जी सिस्टम या फिजिकल बॉडी में भी हीलिंग का काम करें, हमारे चक्रास को बैलेंस करें, नेगेटिव ऊर्जास को डिसॉल्व करें, और हमारे लक्ष्य को संपूर्ण होते हुए इन कॉस्मिक ऊर्जा की शक्तियों को हम यूज करें। तो आइए 7 अंकों का नंबर, सॉरी 7 अंकों का नंबर आप विजुलाइज करें, कॉस्मिक एनर्जी से एक शाइनिंग बीम ऑफ लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपकी स्पाइन में एंटर होते हुए अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा कर लें, और 7 अंकों का नंबर 1 8 4 3 2 1 2। फील द पीस, द बैलेंस एंड दैट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड ईच चक्रा इन योर स्पाइन। ठीक है, डीप ब्रेथ।
डीपली कनेक्ट विद योर स्पाइन, डीपली कनेक्ट विद योर स्पाइन एंड द रेडिएंट एनर्जी, जो इतनी शक्तिशाली ऊर्जा आ रही है उसके साथ पूरी एकाग्रता के साथ जुड़ जाए। 7 अंकों का नंबर 1 8 4 3 2 1 2। गहरी शांति का अनुभव। बहुत सारे सीकर्स आप अपनी बॉडी को बहुत लाइट फील कर सकते हैं आज। कंसिस्टेंसी से ये जो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे इंडिविजुअल ऊर्जा के साथ मिलकर बहुत प्रभावशाली एक रचनात्मक खेल खेल रही। आइए 9 अंकों के नंबर पर चलें। 3 नंबर्स के सीक्वेंस में आप इसको देखें। 9 अंकों का नंबर 1 2 3 5 6 7 0 9 1। कुछ क्षणों के लिए मौन रहकर इस कॉस्मिक ऊर्जा को अपने इंडिविजुअल एनर्जी सिस्टम में मर्ज होते हुए महसूस करें, और अगर आपको ज्यादा समय इधर ठहरना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, आइए तीसरे अभ्यास पे चलते हैं। चेतना के नए बीज, न्यू सीड्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हना क्रिएटर्स, कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले हैं इसमें। अपनी विक्टिम और लिमिटेड मेंटेलिटी को ड्रॉप करके निर्माता के रूप में एक अपने जगत को फिर से देखना। और आइए आज के चेतना के जो नए बीज हैं वो है हमारा अनंतता का स्वरूप, इटर्नल एसेंस, उसकी महक, हमारे अनंत होने की महक। लेखक कहते हैं जो आज आपने बहुत गहरी शांति और सद्भावना हार्मनी महसूस की है, लेखक कहते हैं आज पूरा दिन आप उसी हार्मनी को हर स्तर पे देखने का प्रयास करें, और जहां पे हार्मनी नहीं भी होगी वहां पे भी आप अपनी निर्माता की चेतना से हार्मनी आज देखेंगे। क्रिएटर्स एंड वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट का सबूत होगा, आपके खुद के व्यक्तिगत विकास का। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आज देखें आप कि आपने निर्माता के चश्मे पहने हैं, उसके लेंसेस पहने हैं, और हर जगह आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। कभी किसी ऐसे चेतना को जो अपने निर्माता के स्वरूप में स्थापित हो, उनकी ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे चेहरे पे मुस्कान रहती है।
और वो कभी भी पीड़ित मानसिकता के साथ प्रभावित नहीं होते। किसी भी मास्टर को आप देखें, दे रेडिएट इटर्नल पीस, अनंत शांति का अनुभव उन मास्टर्स के पास, अनंत हार्मनी, सद्भावना का एहसास होता है उन मास्टर्स के साथ। सो दैट इज द फीलिंग जो आज आप अपने वर्तमान जीवन में उसे महसूस करें और हर समय अपने आप को प्रोत्साहित करें कि मैं उस एहसास में रहूंगी या रहूंगा कि मैं एक इटर्नल या अनंत जो फ्रेग्रेंस है ब्लिस का, प्यार का, सद्भावना का, उसको आज महसूस करूंगी। हर तरफ प्यार, हर तरफ खुशी, और आप देखें कि कितनी सद्भावना हर जगह आज आपको दिखाई देगी। तो लेखक कहते हैं आपके अंदर, क्योंकि ये सारा खेल तो इनसाइड आउट का है ना क्रिएटर्स? सारी बात तो लेखक अंदर के परिवर्तन की कर रहे हैं। अंदर जैसे ही परिवर्तन हुआ, बाहर आप एक नवीनता का जो वर्तमान है उसका प्रगटीकरण देखेंगे और एक बेहतर भविष्य को बनाने के लिए लेखक हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं अंदर जितना प्रेम और आनंद की लहरें आज आप महसूस करेंगे, उसको आज आप हर जगह फैलाने की कोशिश करें, जैसे सूर्य अपनी किरणें फैलाता है, जैसे हवा निश्चल भाव से आपको छूकर चली जाती है, जैसे पानी आपको हर समय ताजगी का एहसास देता है, और जैसे धरती माँ अनकंडीशनल लव के साथ आपको सपोर्ट कर रही है, उस तरह का एक निर्माता का विस्तार अपनी चेतना में आज महसूस करो। सो क्रिएटर्स, ये आज के 3 अभ्यास Day 16 के, एलिमेंट्स ऑफ नेचर के साथ कनेक्शन, कॉस्मिक ऊर्जा की शांति भरी एनर्जी आज हमने एब्जॉर्ब की, और चेतना के नए बीज में हमने देखा कि हम प्रेम और सद्भावना के निर्माता हैं, और वही दुनिया जब अंदर प्रकट होगी तो बाहर उसका प्रगटीकरण होते हुए समय नहीं लगेगा। सो थैंक यू क्रिएटर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग एंड स्टेपिंग इनटू दिस पावरफुल रोल, और ये इरिवर्सिबल एल्केमी है क्रिएटर्स। आप हर दिन के अभ्यास के बाद बदल चुके होंगे, अब वापस वो नहीं रहेंगे जिसने ये अभ्यास सुनना शुरू किया था। लव यू क्रिएटर्स, थैंक यू।